अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। सेकंड अशरा शुरू हो चुका है, आज सेकंड अशरे का पहला रोज़ा है। और जो है सहरी से स्टार्ट मैंने इसलिए नहीं किया व्लॉग, देर से आँख खुली थी तो बस जल्दी से मैंने सहरी बनाई और खाया पिया है बस। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह उठ के स्टार्ट कर लूँगी, सुबह नहीं बल्कि शाम हो गई है, 4:30 हो रहे हैं। सुबह से कामों में लगी हुई थी, सारे कपड़े धोए, कमरों की सफाई करी, आयजा को नहलाया, सो गई है आयजा, अब मैं नहाने जा रही हूँ। ये देखिए सब कपड़े फैले हुए, तो बाहर भी फैले हुए कपड़े, तो मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ जल्दी से। फिर उसके बाद मुझे अफ्तारी भी बनानी होगी और आज मुझे समोसे भी बनाने हैं, आलू चीज़ समोसे बनाने हैं मुझे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। आलू तो बॉईल करके रख दिए मैंने, बाकी और काम है अभी बहुत सारे, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए मैं पहले जल्दी से नहाकर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं फ्रेश हो गई हूँ मैं और इफ्तारी का भी टाइम हो गया, बस मैं जा रही हूँ किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। बस वही समोसे कई बाइट्स ये बनाऊंगी, बाकी रात में खाना खाएंगे हम लोग। जो चावल बनाए थे मैंने, चनों का पुलाव, वो रखा हुआ है तो वही खाएंगे। और समोसे बनाने मुझे, वो रात में बनाऊंगी फुर्सत से बिल्कुल, जब ये जिम से आ जाएंगे, इसको संभालेंगे तो मैं काम करूंगी, वरना तो ये मुझे अकेले कोई काम भी नहीं करने देगी। तो चले अभी किचन में चलते हैं हम काम करने के लिए। और आयजा बैठी हैं, हेलो हेलो करो, हेलो दूध पी रही हो? चलो पी लो, लेट के पियो ना, लेट के पीते हैं, लेट के पीते हैं, हाँ लेट के पियो, जल्दी से पियो लेट के। मैं ये टॉफी है ना छुपाने जा रही हूँ, ये निकाल के लेकर आई थी इसके अंदर से, ये चीज़ों की दराज है ना इसमें घुस जाती है, सब चीज़ें रखी हमारी, लॉक कर देते हैं, ये खोलेगी नहीं। इफ्तारी के बाद कुरान पढ़ना है मुझे, 25 सिपारे हो गए, सिर्फ 5 रह गए मेरे सिपारे, इंशाल्लाह कल या परसों तक मेरा कुरान भी ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने सेकंड कुरान शुरू करना है और अभी कपड़े भी उतार के लाने हैं, कपड़े सूख गए हैं वो भी तय करना है। तो चले मैं चलती हूँ किचन में, किचन में चल के इफ्तारी बनाती हूँ। समोसे हमारे सिर्फ यही बचे हैं 4, इसलिए मैं और समोसे बनाऊँगी। ये मैंने समोसे की पट्टियाँ मंगवाई हैं और ये मैंने यहाँ आलू बॉईल किए हैं, तो इफ्तारी के बाद इसका प्रोसेस करना है मुझे। और बाकी हमारी ये पेरीबाइट्स यही बची हैं बस, एक बॉक्स की तो ख़त्म हो गई हैं, ये दूसरा बॉक्स निकाला है मैंने। और बाकी मैंने ये पकौड़ों के लिए काट के रखी है प्याज बंद गोभी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम पकोड़े बनाना, पहले मैं बल्कि समोसे तल लेती हूँ, फिर उसके बाद पकोड़े बनाऊंगी। बेसन फेंट लिया हमने, चलें मैं बनाती हूँ। 2 समोसे डाल दिए हैं मैंने और पेरी बाइट्स भी डाल दिए, बाकी रख देती हूँ, बस मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, तो बस मैं एक ही अपने लिए बनाती हूँ। किसी का रोज़ा खुले या ना खुले, इनका पहले खुल जाता है रोज़ा, है ना तमीज। थोड़ी देर सबर नहीं होता अजान का, अजान का वेट नहीं होता, गंदी बच्ची। अल्लाह होती है फिर खाते हैं, अल्लाह से पहले नहीं खाते, दुआ मांगते हैं, दुआ दुआ मांगो जल्दी से, फटाफट दुआ मांगो, हाँ जल्दी से दुआ मांगो, गुड गर्ल, हाँ खा लो, नहीं ये मिर्ची है ये मिर्ची है बेटा, इससे मिर्ची लग जाएंगी आपको। हमारी इफ्तारी लग चुकी है, बस ये है, बाद में हम खाएंगे खाना, चावल खाएंगे बस, इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए पकोड़े, ज़्यादा नहीं बनाए। तो चले इफ्तार के बाद मिलते हैं आप लोगों से। इफ्तारी हमारी डन हो चुकी है और खाना भी खाएंगे थोड़ी देर में। क्या लेकर आई हो? बल्ले बल्ले लाइयो, खाओ जल्दी से खाओ। बर्तन भी धो लिए हैं मैंने और आलू भी छील लिए हैं मैंने, अब इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ इससे बारीक बारीक, ताकि इसमें कोई गुठली नहीं आएगी आलू की, बिल्कुल मैश हुए हुए हों, सही है ना। तो मैं कर लेती हूँ कद्दूकस, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं, बाकी इसमें सारी चीज़ें ये डलेंगी, थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, नमक जाएगा इसके अंदर, चख लिएगा कम ना हो,
चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर, और इसमें जाएगा हरा धनिया, चिकन पाउडर। अच्छा, इसको डाल के ना इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है चिकन पाउडर डाल के, चिकन क्यूब हो, चिकन पाउडर हो, कुछ भी डाल सकते हैं आप, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। थोड़ा सा ये सारे डाल दो, 10 रुपये का मिलता है ये वाला। क्यूब लेना चाहें तो क्यूब ले सकते हैं आप लोग, ये वाला लेना चाहें तो ये वाला ले सकते हैं आप लोग। ये धनिया में सारे डाल, ये है मोज़रेला चीज़, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, याद नहीं ना निकालना, तो अभी थोड़ी ना जमी हुई हो रही है, ये अभी थोड़ी सी वो हो जाए ना सॉफ्ट, फिर उसके बाद डालती हूँ, निकल नहीं रही है। और ये आयजा साहिबा इसको समझ रही है आटा, ये आटा नहीं है ये चीज़ है। अच्छा दे दी, अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, आटा खाओ आटा पागल। चीज़ भी डाल दी है मैंने इसके अंदर, और सकते मोज़रेला चीज़ भी, कोई सी भी चीज़ डाल दें इसमें। अच्छा, हरा धनिया मर्ज़ी आप लोगों की, डाले या नहीं डाले, चीज़ समोसा बन रहा है तो कोई डालता है कोई नहीं डालता, तो मैंने डाल लिया है क्योंकि मुझे पसंद है यार, इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता आलू के समोसों का, या कोई भी हो, पराठे भी बना सकते हैं आप इसके। अब मिक्स को मिक्स कर लूँ, मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको समोसों के अंदर भरती हूँ। हमने किसी से मंगवाई थी समोसों की पट्टियाँ, लेकिन वो ले आया रोल की पट्टियाँ। तो ये इतनी बड़ी बड़ी हैं, रोल की हैं, तो इसलिए मैं इसको बीच में से हाफ कर रही हूँ समोसों के लिए। सही से करें, हाँ ख़राब ना हो, बस आराम आराम से, ख़राब नहीं होनी चाहिए, हाँ बता रही हूँ मैं पहले। सही करती हूँ, हाँ सही है। वो रोल बना लेती हूँ, ये पहले का मेरा बैटर बचा हुआ था, मैंने फ्रीजर कर दिया था, ये भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी जो है फिर आलू के बनाएंगे हम। समोसे भी बन चुके हैं और रोल भी बन चुके हैं, ये बच गया है, इसका मैं कुछ और कर लूँगी, चीज़ बॉल वगैरह कुछ बना लूँगी मैं, तो कोई बात नहीं अगर बच गया, लेकिन वेस्ट नहीं होगा। अब मैं रख देती हूँ इसको इसमें करके। तो समोसे रोल हमारे बन चुके हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है समोसों के अंदर अगर आप ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने हस्बैंड की वजह से नहीं डाली क्योंकि उनको मिर्चें मना किया है ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने मिर्चें नहीं डाली है, आप लोग डाल सकते हैं हरी मिर्चें उसके अंदर। तो अब कल ट्राई करेंगे ये इफ्तारी में कि कैसे बने समोसे कैसे नहीं, तो कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये फ्राई करके समोसे वगैरह। टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा है, रोज़े भी इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, कल 12वां रोज़ा है, और आयजा भी आज तंग कर रही थी बहुत। अच्छा खा लो, आयजा भी आज बहुत तंग कर रही थी, मैं तो बिज़ी थी कपड़े वगैरह धोने में घर के कामों में, इन्होंने संभाला आज हस्बैंड ने, तो हस्बैंड को रोज़ा लगने लग गया, क्योंकि जब अब्बा घर पर होते हैं ना तो अब्बा के पीछे लगी रहती, मेरे पीछे नहीं लगती, कहती इधर चलो उधर चलो, नचाती रहती पूरे घर में, बैठने नहीं देती उनको, तो आज उनको रोज़ा लग रहा था। वो बेचारे थक गए, अब मैं फ्री हो गई हूँ सब काम से, तो अब हम क्या, तो मैं अब संभाल लेती हूँ इनको, ये बदतमीज़ है ना, बदतमीज़ ये बदतमीज़ बच्ची बहुत तंग करती है पापा को, है ना, क्यों तंग करती हो, ये क्या बदतमीज़ी हो रही है, पिटाई करूँ आपकी मैं, माओ को बुला के लाऊँ अभी मैं, ये देखो ये सब सबको बताती हूँ अभी मैं, ये बदतमीजी कर रही है मम्मा के साथ। तो चले, ये था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।